तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम आपकी तुलाकात कराने वाले दिल्ली में स्थित तिलक नगर के मशहूर समोसे से। इनके समोसों की दीवानगी लोगों की भीड़ से ही बयां हो जाती है। ये मैंने पहली शॉप देखी है जहां खाने वाले पहले आते हैं, खाना बनाने वाले बाद में आते हैं। लोग वेट करते हैं कि सुबह के 3 बोलो या रात के 3 बोलो कब बजे और हम जाकर तिलक नगर के मशहूर समोसों का आनंद ले पाए। दिल्ली में कई लोग तो अभी तक सही से सोए भी नहीं और कोई तो सोने गए भी नहीं, बट यहाँ तो लोगों की भीड़ लग जाती है इन समोसों का आनंद लेने के लिए। आप सोच रहे होंगे इतनी दीवानगी, इतना प्यार, ये तो कोई बहुत मशहूर दुकान होगी। ये बहुत मशहूर तो है बट कोई दुकान नहीं है, कोई ठेला नहीं है। ये आपको मिल जाएगी तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट 1 के पास। इनके पास कुल 6 से 7 वैरायटी के समोसे मिलते हैं, बट आप एक चीज जान के हैरान हो जाएंगे, इन्होंने तो समोसों की रूह ही निकाल ली, क्योंकि इनके पास आलू का तो समोसा मिलता ही नहीं। दिल्ली में आप रहते हो तो दिल्ली में 10-15 से समोसे मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20, बट यहाँ कोई भी आप समोसा लेंगे आपको वो 35 रुपए से मिलेगा। ये ओवर प्राइस्ड भी है, टेस्ट अच्छा हो तो प्राइस को नजरअंदाज करना ठीक है। ये समोसे की पटरी पर ही 5 से 6 वैरायटी वेज में समोसे मिलते हैं, जिसमें चिली पनीर, मलाई पनीर, पास्ता, तंदूरी पनीर, तंदूरी चाप, स्वीट कॉर्न और तो और चौमिन समोसा। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ समोसे की मेकिंग बनने जा रही है। पहले एक मैदे का पेड़ा लिया जाता है जिसको बेला जाता है, एक छोटी सी सर्कल सी पूड़ी टाइप बनाया जाता है। फिर उन मैदे की पूड़ियों में ये डालते हैं स्टफिंग, फिर उसको करते हैं क्लोज और फिर ये जाती है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 1 के बाहर, जहां इनको 1 by 1 तेल के अंदर डाला जाता है और तेल के अंदर ये फ्राई होते हैं। इतने ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे होते हैं दिखने से ही, लोगों को तो वहां देखते देखते मुंह में पानी आ जाता है। यार इतने टेस्टी समोसे अभी हम थोड़ी देर में खाने ही वाले हैं। जब आप देखते हैं कि इधर इतनी सारी भीड़ आ रही है, इतने लोग इसके दीवाने हैं, तो आप एक चीज भूल जाते हैं। आप ये देखिए कि इतने सारे समोसे एक ही तेल में तले जाते हैं, तो समोसे इतने ज्यादा अनहाइजीनिक है, कितने ज्यादा अनहेल्दी है। इनके समोसों के साथ आपको मिलती है एक मीठी लाल चटनी और तो और हरी स्पाइसी चटनी। चलिए अब इनके समोसों को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों 1 घंटे की वेटिंग के बाद इतने भीड़ भड़ाके में जाके 3 समोसे खोज के लाए। ये हमारा पहला समोसा है पास्ता समोसा। देर भी वेट किया, धक्के मुक्के खाए सिर्फ इस पास्ता समोसे के लिए। अगर टेस्ट ने अगर डिसअपॉइंट किया तो लिटरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे इन समोसों का आनंद लेने आए और हम तो सिर्फ वीडियो के लिए आए। आप लोग शौकीन होके खाने आते हो, टेस्ट ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी होगी। चलिए अब टेस्ट करते हैं। जो समोसा है काफी ज्यादा क्रिस्पी, बट इतनी देर के वेट के बाद ना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और टेस्ट की बात करूं मैं, इतना कुछ खास नहीं है कि आप इसके लिए सुबह 4 बजे आओ। अब बारी आ गई हमारे दूसरे समोसे की। समोसे का साइज आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है, 35 रुपए का ये मात्र समोसा, मात्र तो नहीं कहूंगा। ये हमारा पनीर कीमा समोसा। समोसे में चटनी होती है एक तो तीखी चटनी, हरी चटनी और तो और जो लाल चटनी होती है वो होती है मीठी चटनी, बट यहाँ वो भी स्पाइसी है। तो ट्राई करते हैं अब अपना पनीर प्याज समोसा। पनीर एकदम मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, पूरा का पूरा ग्रेनुअल्स में कर रखा था, और बढ़िया लग रहा है, गर्मा गर्म, क्या मजा आया खा के। मैं ये 2 समोसे खा चुका और मेरा पेट हो चुका है फुल। अब ये तीसरा समोसा सिद्धार्थ भाई आप खा के बताओ, खाओ भी आनंद भी लो और बताओ लोगों को कि कैसा है वो समोसा। चौमिन के अंदर मटर, ये सिस्टम नहीं समझ आया मुझे, ये सेवैया का समोसा तो नहीं है। जो ये समोसा इतना बड़ा है, इतना क्रिस्पी है, और जिसके अंदर चौमिन बोला इन्होंने चौमिन का समोसा, पर मेरे को चौमिन लग नहीं रही। एक तो मसाले वैसे नहीं है, दूसरा इसके अंदर मटर है, मेरे को सेवैया पक्का लग रही है, सेवैया का समोसा लग रहा है मुझे। मेरे हिसाब से चौमिन का समोसा तो ना ही लो तो बढ़िया। समोसा खाते खाते तो काफी ज्यादा बात हो गई। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एक हमेशा से ये रहता है कि नॉनवेज भाई एक साथ बनता तो यहाँ हमारे लिए नहीं है। नहीं आप आइए खाइए, एकदम अलग अलग बनता है, एकदम साफ सफाई से काम होता है, साफ सफाई से नहीं कहूंगा। बट अगर आपको यहाँ आना है, लोकेशन है तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के जस्ट ही सामने होगा आपके, समोसे वाले पटरी पे बिछा रखा है, आइए खाइए मजे लीजिए। टाइमिंग रहने वाली है 4 बजे, अलार्म लगाओ आओ, पर 9 बजे तक यहाँ है ठीक है, कहीं 9 बजे उठ रहे हो और यहाँ आ रहे हो नहीं मिलेगा कुछ भी। सो मिलते हैं आपसे अगली बेहतरीन अमेजिंग वीडियो में नए लोगों के साथ, नई चर्चा के साथ। तो टिल देन बाय बाय।